इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2023 और वर्तमान में चल रही है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखिए थर्ड ग्रेड की बात करें तो लेवल वन का जिला आवंटन हो चुका है और इसी महीने में नियुक्ति हो जाएगी सभी को। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड का जो बयान सामने आया है 19,000 कुछ पदों पर ही रिजल्ट जारी हुआ है, बाकी पदों पर जो पद बच गए हैं क्योंकि 21,000 टोटल पद है तो बाकी पदों पर काम चल रहा है, जल्दी उनका परिणाम भी जारी होगा लेवल वन का। इसके अलावा दोस्तों लेवल टू के 3 विषयों का परिणाम जारी हो चुका है, पंजाबी आज सिंधी और हिंदी का 3 परिणाम लेवल टू के जारी हो चुके हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इसके अलावा जो उपेन्द्र यादव ने बात की है कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से, उनका ये मानना है कि लेवल टू का परिणाम तो एक विषय का लगभग तैयार है लेकिन अभी फाइनल अनुमति नहीं दी है, लेकिन उससे पहले कर्मचारी चयन बोर्ड जो बाकी पद बच गए हैं लेवल वन के उन पदों पर परिणाम जारी करेगा, लिस्ट जारी करेगा, उसके बाद लेवल टू का परिणाम बाकी विषयों का जारी होगा। लेकिन दोस्तों आज अंग्रेजी विषय या एक अन्य विषय का, यानी एक विषय का परिणाम जारी हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन एक विषय का जारी हो सकता है, बाकी परिणाम कल जारी होने की संभावना है अंग्रेजी हो या सामाजिक विज्ञान, लेकिन एक विषय का परिणाम 50% चांस है कि आज जारी हो जाए इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट का लेवल टू। इसके अलावा दोस्तों आज की न्यूज आप देखिए, यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला का भी बड़ा बयान आया है 45 पदों को लेकर। इसके अलावा वर्तमान में चल रही है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति होगी। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है, शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर DPC होगी और वो भी यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री का बयान। उससे पहले यहाँ पर देखिए कल कैबिनेट मीटिंग में पदोन्नति पर फैसला संभव, वरना 1 साल और बढ़ जाएगा, और आज शायद कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी, हो सकता है 1-2 दिन में हो जाए। और यहाँ पर देखिए 48,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती कर रही है सरकार, पर 50,000 को प्रमोशन का इंतजार। अब दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर देखिए 45,735 पदों पर DPC होगी, जिसमें देखिए थर्ड ग्रेड की भी है, सेकेंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की। उससे पहले शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला का बयान, कल का बयान यहाँ पर आप देखिए, भामाशाह वार्ड में शिक्षा विभाग की सभी DPC 30 सितंबर से पहले कर दी जाएगी, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला। अब DPC का दोस्तों नई रीट में क्या फ़ायदा होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। वैसे पात्रता परीक्षा रीट तो इस महीने के इस साल दिसंबर में होने की संभावना है, क्योंकि अभी भी 3 महीने से ज़्यादा समय बचा हुआ है और इसी महीने के लास्ट तक रीट की विज्ञप्ति अगर जारी हो जाती है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा रीट का, ये कन्फर्म मान के चलिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके लिए अच्छी न्यूज है, अभी शिक्षा मंत्री ने कल कहा कि 30 सितंबर से पहले हम 50,000 करीब 50,000 पदों पर DPC होगी। वैसे इसमें 45,000 कुछ पद दे रखे लेकिन आप करीब करीब मान के चलिए 50,000 पदों पर DPC होगी। अब दोस्तों इसमें देखिए 48,000 पदों पर भर्ती चल रही है अभी वर्तमान में, और शिक्षा विभाग में कितने पद खाली है, प्रारंभिक शिक्षा प्लस माध्यमिक शिक्षा 63,000 पद है, अभी 63,000 थर्ड ग्रेड के पद खाली है, जिनमें 48,000 पद भर जाएंगे, फिर भी 15,000 पद खाली रहेंगे थर्ड ग्रेड के। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है, 15,000 पद फिर भी खाली रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बड़ी बात, 30 सितंबर से पहले यानी 15 दिन के अंदर अंदर शिक्षा मंत्री के हिसाब से DPC होगी थर्ड ग्रेड की 20,000 पदों पर। यहाँ पर देखिए जैसे ही थर्ड ग्रेड की DPC यानी थर्ड ग्रेड के 20,000 टीचर सेकेंड ग्रेड बनेंगे तो फिर से थर्ड ग्रेड के नए 20,000 पद खाली हो जाएंगे। तो इस तरह 20,000 प्लस 15,000 अभी के 35,000 से ज़्यादा पद थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे, और अगर दिसंबर में रीट परीक्षा होती है, वैसे संभावना ज़्यादा है, तो अगले साल 2024 के मान के चलिए शुरुआत में ही थर्ड ग्रेड नई शिक्षक भर्ती हो सकती है, 35,000 से ज़्यादा पद तब तक खाली हो जाएंगे, DPC के बाद 35,000 पद थर्ड ग्रेड के खाली होंगे। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड के भी 20,000 पदों पर DPC होगी, लेकिन जैसे सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड DPC होगी तो थर्ड ग्रेड से 20,000 पद सेकेंड ग्रेड में भर जाएंगे, तो सेकेंड ग्रेड के पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थर्ड ग्रेड के 20,000 पद खाली होंगे। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है आने वाली
थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर, ठीक है, काफ़ी पद खाली हो जाएंगे और उम्मीद ये है कि जल्द ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो रेट पात्रता परीक्षा की और दिसंबर तक परीक्षा हो, उसके बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी। ठीक है, कम से कम 35,000 पद इसमें रहेंगे, अभी थर्ड ग्रेड के खाली है, आगे भी सरकार चाहे तो डीपीसी करेगी तो पद बढ़ सकते हैं, लेकिन 35,000 पद तो खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है, प्रदेश के शिक्षकों की नाराजगी दूर करने की कवायद, यानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मीटिंग होगी और वहाँ पर फैसला लिया जाएगा। 50,000 पदों पर डीपीसी होगी, जिसमें 20,000 पद नए थर्ड ग्रेड के सामने आएंगे। अभी 63,000 प्लस 20,000 83,000 पद हो जाएंगे, 48,000 भर जाएंगे, बाकी पद खाली रहेंगे लेवल 1 लेवल 2। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है।